आप बाइबल कैसे पढ़ रहे हो? आप न्यूज़पेपर की तरह बाइबल पढ़ रहे हो या एक लव लेटर की तरह बाइबल पढ़ रहे हो? देखिए, न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो उसकी न्यूज़ एक दिन या दो दिन याद रहती है, उसके बाद भूल जाते हैं। पर लव लेटर हम सब जानते हैं कि हम उसको बार बार पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, एक एक अक्षर हमारे दिल में उतरता जाता है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर की आशीषों में और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम उद्धार पा लेते हैं उसके बाद बढ़ने का एक निरंतर प्रोसेस शुरू होता है। और होता क्या है कि जब तक हम उद्धार नहीं पाते हैं, तब तक हम अपने परमेश्वर के रास्तों को, यीशु के वचनों को या बाइबल को नहीं जानते हैं, तो ऑलरेडी हम ब्लेसिंग के रास्ते पे ही नहीं होते हैं, आशीषें होती ही नहीं है हमारे जीवन में। लेकिन कई बार उद्धार पाने के बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है, मतलब कि हम बढ़ नहीं रहे हैं, हम अपने नेचर में, अपनी आशीषों में, अपने जीवन में, अपनी मैच्योरिटी में बढ़ नहीं रहे हैं, तो इट मीन्स कि कहीं कुछ तो कमी है। और वचन से हम इस चीज़ को देखेंगे। होशे की किताब, वहाँ पर उसके चौथे अध्याय के छठे वचन में ऐसा लिखा हुआ है, बुक ऑफ होशिया चैप्टर 4:6, वहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। ये परमेश्वर ने पुराना नियम में इसराइलियों के विषय में कहा है, जबकि इसराइल को परमेश्वर दासता से निकाल लाया था यहोवा परमेश्वर, और उसके बाद अपनी विधियाँ दी थी मूसा के द्वारा, और कहा भी था कि बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को, हर एक मौजूदा पीढ़ी का ये फ़र्ज़ है कि वो आने वाली पीढ़ियों को सिखाता रहे मेरी विधियों के बारे में, मेरे रास्तों के बारे में, मेरे दिल के बारे में बताता रहे। और हो सकता है बताया भी गया, तो या हो सकता है बताने में कमी रही, या हो सकता है अगली पीढ़ी ने ग्रहण करने में कमी रखी, जो भी हुआ। पर आज होशे की किताब में परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। और ये ऐसा आज भी हो रहा है। कई बार हम उद्धार तो पा लेते हैं, लेकिन हम बढ़ते नहीं हैं आशीषों में, मसीह के वचनों में, मसीह की मर्जी को पूरा करने में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीति वचन उसके पहले अध्याय के 7वें पद में वचन कहता है कि फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगनिंग ऑफ नॉलेज, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1:7। परमेश्वर यहोवा का भय मानना ही समझ है। तो जब हम अपने प्रभु का भय ही नहीं मानते हैं, तो हम समझदार बनते ही नहीं हैं। जब हम समझदार नहीं बनते हैं, तो हम परमेश्वर के रास्तों को, उसके तरीकों को जानते ही नहीं हैं, और इसलिए हम आशीषों में भी बढ़ नहीं पाते हैं। हम यीशु के मन को या अपने प्रभु के मन को कैसे जान सकते हैं? आप कहेंगे सीधी सी बात है, बाइबल पढ़ने के द्वारा। बिल्कुल जी हाँ, बाइबल पढ़ने के द्वारा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप बाइबल कैसे पढ़ रहे हो? आप न्यूज़पेपर की तरह बाइबल पढ़ रहे हो या एक लव लेटर की तरह बाइबल पढ़ रहे हो? देखिए, न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो उसकी न्यूज़ एक दिन या दो दिन याद रहती है, उसके बाद भूल जाते हैं। पर लव लेटर हम सब जानते हैं कि हम उसको बार बार पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, एक एक अक्षर हमारे दिल में उतरता जाता है। तो बाइबल आप किस तरीके से पढ़ते हो? उस प्रेमी परमेश्वर का वचन जिसको आप प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करता है, आपका सनातन काल का पिता, आप उसको कैसे पढ़ते हो ये आप पर डिपेंड करता है। आप उसको किस रीति से लेते हो, या फिर आपके अंदर बाइबल को जानने और समझने की कितनी भूख है। मैं अपने बारे में बता सकती हूँ आपको कि जब मैं नई विश्वासी थी, शुरुआत में नहीं चर्च जाने को मिला, बाद में शादी हुई, उद्धार मेरे पति का हुआ, बेटे का आश्चर्य कम हुआ, फिर उसके बाद हमें चर्च मिली। और उस वक्त जब हम हैदराबाद में थे, तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे पास्टर मिले, और मैं उनसे बाइबल के वचनों के बारे में बहुत कुछ सीखती थी, और मैं पीछे पढ़ पढ़ के सीखती थी, यहाँ तक कि फ़ोन कर कर के, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा था, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए चर्च में एक दो घंटे की सर्विस में परमेश्वर का दास आपको पूरी चीज़ें नहीं समझा सकता है, उसके लिए आपको पर्सनल समय निकालना है, बाइबल के वचनों को पढ़ना है, समझना है। नहीं समझ आता है तो पास्टर से पूछना है। और आजकल बहुत से लोग यहीं पे चूक जाते हैं, बाइबल पढ़ते ही नहीं है, सवाल करते ही, बाइबल पढ़ोगे तो सवाल आपके दिल में आएंगे, फिर आप पूछोगे अपने पास्टर से। तो मैं ऐसा ही करती थी, और मैं बहुत फ़ोन करके उनको बोलती थी, परेशान करती थी कि भाई मेरे पास, मैं क्या करती थी, बाइबल में टिक लगाती थी और पेज मोड़ती थी कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये वाला वचन समझ में नहीं आया। और जब देखती थी कि इतना मोटा बंडल हो गया मेरे सवालों का, तो फिर मैं पास्टर को मैसेज करना शुरू करती थी, पेजर पर मैसेज देती थी कि पास्टर या तो आप आ जाओ मेरे पास, नहीं मैं आती हूँ आपके पास। और इस तरीके से वो कभी परेशान नहीं होते थे, क्योंकि वो मेरे दिल की भूख को जानते थे कि हाँ, मुझे वाकई में वचन को जानने और समझने की भूख है। तो फिर वो मुझे एक एक चीज़ें समझाते थे,
और इस तरीके से मैंने वचनों में बढ़ना शुरू किया। वो एक शुरुआत थी, हालांकि उसके बाद बहुत जल्द ट्रांसफर भी हो गया। फिर परमेश्वर का आत्मा चला था। अगर आपके अंदर भूख है तो परमेश्वर का आत्मा उस भूख को किसी भी रास्ते से बढ़ाएगा। लेकिन क्या आपके अंदर वचन को जानने की, पढ़ने की, समझने की भूख है? जब आप वचन को जानोगे तो आप आशीषों में बढ़ोगे। और इसीलिए वचन कहता है होशे 4:6 में कि मेरे ज्ञान के ना होने से, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि परमेश्वर चाहता क्या है या उसने हमारे लिए आशीषें क्या रखी हैं। एक उदाहरण से मैं इस चीज़ को समझाती हूँ। आप समझ लीजिए, कोई पिता है जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है और वो इस दुनिया से कुछ करते समय, जाते समय किसी को अपने इकलौते बेटे को वो सारी जायदाद लिख के तो गया है, पर क्योंकि बच्चा छोटा है इसलिए किसी को केयरटेकर अपॉइंट करके गया है कि एक निश्चित समय आने पे जब वो बच्चा बालिग होगा तो वो जो मैनेजर है, वो जो केयरटेकर है, वो उसके सारे अधिकार उसको दे देगा। लेकिन ये केयरटेकर अगर दुष्टता करे और बच्चा बड़ा हो जाए और उसको उसके अधिकार ना बताए, या उसके नाम पे पिता ने क्या वसीयत छोड़ रखी है, क्या मिल्कियत है, विरासत है, वो ना बताए और उससे गुलामों सा बर्ताव करता रहे, तो क्या ये गलती बच्चे की है? नहीं, उस दुष्ट की है। तो शैतान ने यही ठीक हमारे साथ किया था। हमें मसीह यीशु में पिता यहोवा ने जो आशीषें दे रखी थी उनसे वंचित रखा था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे पास बाइबल है, हम उद्धार पा चुके हैं और अब हम जानते हैं पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा कि पिता ने मसीह यीशु में हमारे लिए कैसी आशीषें रखी हैं और उसके वचनों को समझते और बढ़ते हुए हमें उन आशीषों में कैसे बढ़ना है। देखिए, जब हम मसीह के कहलाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे वचन में लिखा है कि यू आर द लिविंग लेटर ऑफ क्राइस्ट, तो हम उस एक महान नाम को अपने ऊपर लेकर चलते हैं। जब हमने मसीह यीशु को धारण कर लिया, पहन लिया, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने परीक्षाएं आती हैं। जब आप नहीं जानते थे वचन को, बाइबल को, तब आप वो काम बड़ी आसानी से करते थे। फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलना। जब बाइबल नहीं पता थी हम बोलते थे, हमें पता ही नहीं था कि ये गलत है, परमेश्वर की नज़रों में ये पाप है। रिश्वत लेना, हमें पता ही नहीं था कि ये गलत है। या मैं देखती हूँ बहुत से छोटे बच्चों को और 14-15 साल के भाई बहनों को मैं देखती हूँ कि वो आजकल, मैंने बहुत ये ट्रेंड देखा हुआ है कि अपने शर्ट पे या टी शर्ट पे इस तरह के पिक्चर्स पहन के घूमते हैं जिन पे खोपड़ी का स्कल बना होता है, शैतान का जो चिन्ह होता है उस तरह से, ऐसे हड्डियाँ बनी होती हैं और बीच में खोपड़ी का वो भूतिया जैसा स्कल बना होता है और वो बड़े स्टाइल में उसको पहन के घूमते हैं। और मुझे बहुत अफसोस होता है ऐसे लोगों के लिए जब मैं उनको इस तरह के कपड़े पहन के देखती हूँ। देखिए, शैतान तो धोखेबाज है और वो मार्केट प्लेस में इस तरह से घुसा हुआ है कि किसी तरह से वो आपके जीवन में दखल दे। जो लोग वचन को नहीं जानते हैं, जो लोग मसीह को नहीं जानते, बाइबल नहीं जानते, वो अन्य जाति के जवान बड़ी शान से इस तरह के कपड़ों को पहन के घूमते हैं। लेकिन अफसोस जब होता है जब मसीह को जानने वाले भी इस गहराई को नहीं समझते हैं कि इस तरह का स्कल बना हुआ या खोपड़ी का बना हुआ चित्र अगर किसी कपड़े पे, टी शर्ट पे, शर्ट पे, ड्रेस पे है तो वो हमें नहीं पहनना है। इवन छोटे से छोटे कैप में भी अगर है, आप जो कैप लगाते हैं उसमें भी अगर है तो वो हमें नहीं लेना है। एक बार हमारे चर्च में किसी बच्चे का बर्थडे था और मैं कपड़े खरीदने गई मार्केट में मेरे पति के साथ उस बच्चे के लिए, और मैं आपको बताऊं पूरा सब कुछ फाइनल हो गया, अचानक से एकदम पवित्र आत्मा ने मेरी नज़र उस ड्रेस पे डाली, उस ड्रेस के एकदम कोने में छोटा सा स्कल बना हुआ था और मैंने कहा, हे परमेश्वर तेरा बड़ा धन्यवाद। देखिए शैतान कैसे छुप के खेल खेलता है कि मतलब हम वचन के सेवक होकर अगर वो ड्रेस देते हैं, वो जो बेचारे नए विश्वासी मसीह में आके सीख रहे हैं हमारे द्वारा, और उनको ये चीज़ समझ में आएगी कि अच्छा ये तो पास्टर ने दिया, इसमें तो कोई खराबी नहीं है, तो सोचिए कितना गलत संदेश जाता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि छोटे से कपड़े के कोने पे वो बना हुआ था। 1 साल के बच्चे के कपड़े कितने छोटे होते हैं और उसके, और मेरी नज़र एकदम फाइनल पेमेंट करते करते उस पर पड़ गई और मैंने कहा, नहीं नहीं ये ड्रेस चेंज करिए, ये ड्रेस तो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो कैसे शैतान अपना जाल बिछाता है कि किसी रीति से गलत तरीके से फंसाए या गलत संदेश पहुँचाए दुनिया तक, और मसीह जो प्रकाश है उस प्रकाश को लोगों तक पहुंचने से रोके।
बहुत से लोग मेरे हस्बैंड से आके बोलते हैं या ऐसे मजाक में हमारे पड़ोसी वगैरह बात करते हैं कि अरे हमने तो बहुत सारे क्रिश्चियन देखे हैं जो ड्रिंक करते हैं, जो दारू पीते हैं। तो मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि देखो भाई, सबसे ज़्यादा काम हिंदी फिल्मों ने ख़राब किया है। इसका सबसे ज़्यादा जो रॉन्ग क्रेडिट है वो उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने मसीहत का नाम बिगाड़ा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वचन क्या है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम वचन को जानने लगते हैं तो वो चीज़ें जो, जैसे हमको लोग पूछते हैं, अरे आप तो डिफेंस में थे तो आपके वहाँ तो लिकर कार्ड होता था, तो मेरे हस्बैंड उनको जवाब देते हैं कि हाँ होता ज़रूर था, लेकिन जिस दिन मैंने बपतिस्मा लिया उस दिन सबसे पहला काम ये किया कि लिकर कार्ड कैंसिल करवाया, क्योंकि जो जहर मैं नहीं लेता वो किसी दूसरे को बांटने का कोई मतलब नहीं है। आपको बांटना है तो आप परमेश्वर का वचन बांटिए। तो इसी तरीके से हमें लिविंग लेटर ऑफ क्राइस्ट बन के जीना है। जब हम खुद जान गए, जब हम खुद प्रकाश में आ गए, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरों को बताएं। बाइबल में एक बहुत सुंदर उदाहरण हम जक्कई का देख सकते हैं, लूका उसके 19वें पद के 8वें और 9वें, 19वें वचन चैप्टर के 8वें और 9वें पद में। वहाँ पर जक्कई का उदाहरण है जो कि टैक्स कलेक्टर था, और जब उसने ईशु के बारे में सुना था तो उसने कहा चलो मुझे ईशु को देखना है। कहानी आप सब जानते हैं, पढ़ के देख सकते हैं वो वापस से दोबारा से। और ईशु उस पेड़ के नीचे जिसके ऊपर वो चढ़ा हुआ था आए, और उन्होंने कहा जक्कई नीचे उतरो, मुझे आज तुम्हारे घर में होना अवश्य है। और जब ईशु ने उसके घर में जाकर डाइन किया, वहाँ पर सहभागिता की, तो जब ईशु उसके जीवन में आए तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और जक्कई ने क्या कहा कि प्रभु देख, जिसका अन्याय से लिया था कुछ उसका चार गुना वापस कर रहा हूँ। तो ईशु ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि जैसे ही जक्कई के जीवन में ईशु आए, जक्कई ने ईशु के फलों के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। तो हम और आप आज सीख सकते हैं कि वो जो रिश्वत लेने वाला, वो जो अन्याय से घूस लेने वाला, वो जो टैक्स कलेक्टर, जब कई बदल सकता है जिस दिन ईशु उसके घर उसके जीवन में आए। और इसीलिए ईशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया, क्यों? क्योंकि ना तुमने केवल मुझसे मुलाकात की, ना तुमने केवल मुझे अपने घर में बुलाया, बल्कि तुमने मेरे वचनों के अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू कर दिया। और उस दिन से वो आशीषों में बढ़ने लगा जक्कई। कई बार हम जब खराई के वचन का प्रचार करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं आप ना बहुत ज़्यादा सच बोल रहे हैं। स्पेशली मुझे लोगों ने बोला कि नहीं इतनी ज़्यादा खराई और सच्चाई से ना मिनिस्ट्री नहीं चलती। मैंने कहा देखिए, मेरा काम है खुद भी तैयार रहना ईशु के आने के दिन के समय, उस दिन के लिए, और बहुतों को तैयार कर रखना, आत्माओं का प्योर गोल्ड तैयार कर रखना। मिनिस्ट्री चलाना ना चलाना ये देखना ईशु का काम है। और मिनिस्ट्री क्या है? आत्माएं बचाना, यही मिनिस्ट्री है। आपकी चर्च में 100 लोग 200 लोग आ रहे हैं, लेकिन उनमें से स्वर्ग में कितने उठाए जाएंगे, मेन रिकॉर्ड वो होगा। बड़ी भीड़ को देख के खुश होने का कोई मतलब नहीं। ईशु के पास भी बहुत थे, लेकिन 70 उल्टे लौट गए, बचे कितने? 12, उसमें से भी एक ने विश्वासघात किया। तो भीड़ को देख के खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये खुश होने की ज़रूरत है कि लोगों के जीवन में वचन के अकॉर्डिंग एक्ट करने वाला फल बढ़ रहा है कि नहीं। क्योंकि तब हम एश्योर हो जाएंगे कि हाँ, हम भी तैयार हैं, हमारे साथ वाले भी तैयार हैं, प्रभु तो किसी भी दिन आ, हम चलने के लिए रेडी हैं, हम रैप्चर में उठाए जाने के लिए रेडी हैं। ये है सच्ची सेवा, ये है सच्ची मिनिस्ट्री, जिसको कि बहुत से लोग आज भूल बैठे हैं। मैंने जो अपनी बुक लिखी थी, अपनी जो फर्स्ट बुक लिखी, इन सर्च ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्यार की तलाश में, नहीं आत्मकथा लिखी मैंने, तो उस किताब में मैंने लिखा था कि सिलसिलेवार तरीके से हर चीज़ लिखी है, अगर आप कभी मौका मिले आप उसको पढ़ के देखिए आप चाहें तो। तो वहाँ पर मैंने एक चैप्टर में लिखा है, 16 चैप्टर है टोटल उस बुक में, तो एक चैप्टर में मैंने लिखा कि चर्च कलीसिया में आज जो गलत तरीके से पॉलिटिक्स घुस आई है वो गलत है। तो किसी एक भाई को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने किसी दूसरे से कहा कि ये स्मृति सिस्टर ने ऐसे से ऐसा क्यों लिखा। तो वो जिस दूसरे भाई से कहा था उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि सिस्टर फला फला ने पूछा कि आपने अपनी बुक में ऐसा क्यों लिखा। मैंने कहा इसलिए लिखा ताकि नया आने वाला जो विश्वासी है वो ठोकर ना खाए, क्योंकि नए व्यक्ति को पता नहीं होता है, किसी को कोई वचन बताता है और वो चर्च में आता है, उस वचन को ग्रहण करता है और वो उस लोगों को, फिर उन लोगों को देखना शुरू करता है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगे। तो नया आने वाला विश्वासी, वो खुद चाहे जैसा भी रहा हो उसका अतीत, लेकिन वो देखता है लोगों को, चर्च के अंदर लोगों को, कि ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं। बहुतों की गवाहियां मैंने देखी, उनको ठोकर लगी। इवन हमको भी कई बार, हमारे साथ भी बेईमानियां हुई, दगाबाजियां हुई, छल हुआ, लेकिन
परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसका अनुग्रह था और हम उसमें बने रहे, हम ठोकर खाकर पीछे नहीं हुए। कुछ लोगों को मैंने देखा वो बैकस्लाइड हो गए, कुछ लोगों को मैंने देखा बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया कि देखो मसीह के लोग ऐसे कर रहे हैं, देखो ये ऐसा है। तो मैंने कहा इसलिए मैंने बुक में लिखा खुलकर, ताकि लोग सिर्फ और सिर्फ यीशु के क्रूस की तरफ नज़र लगाएं, लोग ये समझ लें उस किताब को पढ़ के कि हमें इंसानों को नहीं देखना है। लोग पत्रस के समय में, यीशु के समय में, पौलुस के समय में भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं, रैप्चर आके चला जाएगा शायद तब तक भी ऐसे ही रह जाएंगे, लेकिन हमें हमारी दौड़ पूरी करनी है। निशाने, पौलुस कहता मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, हमको मसीह के क्रूस पर नज़र लगा के रखनी है, हमें इधर उधर लोगों को नहीं देखना है, क्योंकि देखेंगे तो हर किसी में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता है, तो हर बार ठोकर खाएंगे तो बढ़ेंगे कैसे फिर मसीह में। तो इसलिए हमें लोगों की बातों से निराश नहीं होना है। हाँ, लिखा मैंने इसलिए ताकि लोग आगाह हो जाए, अलर्ट हो जाए, समझ जाए कि हमें यीशु को देखना है, इंसानों को नहीं देखना है। देखिए, सिर्फ बपतिस्मा लेने भर से उद्धार नहीं होता है जब तक कि हम मसीह के वचनों में लगातार निरंतर बढ़ते ना रहें। जैसे जैसे हम, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम लव लेटर की तरह बाइबल अगर पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम ज़्यादा भूख प्यास से पढ़ेंगे फिर उसको और ज़्यादा समझेंगे। मैं तो मेरे चर्च के लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करती हूँ कि बाइबल पढ़ो और सवाल पूछो। अगर आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे हो, इट मीन्स कि मैं ये समझ रही हूँ कि आप बाइबल पढ़ ही नहीं रहे हो, क्योंकि बाइबल पढ़ोगे तो सवाल आएंगे आपके दिल में। क्योंकि बाइबल ऐसा तो है नहीं कि बिना समझाए अपने आप सब समझ में आ जाता है, मुझे भी इस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ा है, हमने भी सीखा है। तो अगर आप सवाल ही नहीं पूछ रहे हो, इट मीन्स आप बाइबल ही नहीं पढ़ रहे हो। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि सिस्टर जब हमने अपनी कलीसिया में पूछा तो हमारे पास्टर साहब नाराज़ हो गए, तो मैं पासवानों से दरख्वास्त करूँगी कि ये नाराज़ होने का विषय नहीं। अगर आपकी कलीसिया में कोई विश्वासी भाई है जो भूख प्यास के साथ बाइबल के वचनों को जानना चाहता है और क्यूरियोसिटी में, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सवाल पूछता है ताकि वो बाइबल को और अच्छे से समझ सके, तो उसकी हेल्प करिए। मैं तो मेरे लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि सवाल पूछो, तुम लोग नहीं पूछ रहे हो, नहीं पूछते तो मैं डांटती हूँ कि क्योंकि तुम नहीं पूछ रहे हो इसका मतलब बाइबल नहीं पढ़ रहे हो। पढ़ोगे तो चार तरह के सवाल दिल में आएंगे ना, कि ऐसे से ऐसा कैसे हुआ, अच्छा ऐसे से ऐसा कैसे हुआ, फिर ये ऐसे क्यों हुआ। इसलिए मैं बोलती हूँ कि पढ़ो बाइबल, और बपतिस्मा लेने के बाद बाइबल जितना ज़्यादा आप पढ़ रहे हो उससे बढ़ोगे। ये मत सोचो कि बपतिस्मा ले लिया तो अब हम बढ़ गए मसीह की आशीषों में, नहीं, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। एक डेली अच्छा काम जो उसने हमारे अंदर शुरू कर दिया वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। वचन में लिखा उसको अंत तक पूरा कर लेगा, लेकिन वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। आप उस प्रोसेस में तो बढ़िए, और उसके लिए पवित्र आत्मा और बाइबल के वचन, यानी यीशु और पवित्र आत्मा दोनों आपकी मदद करेंगे। शैतान, जैसा कि मैंने बताया, जानबूझकर उन आशीषों को छुपाता है, हम तक पहुंचने नहीं देता है, क्योंकि यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर चोरी करने के लिए आया था, घात करने के लिए आया था। इसलिए जो मसीह यीशु में हमारे लिए आशीषें रखी हैं पिता यहोवा ने, उनको छुपाता है या उनको चुराने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ लेते हैं, जब हम बाइबल बार बार पढ़ते हैं, जब हम बाइबल रात दिन मनन करते हैं वचनों पर, तो हम ये जान जाते हैं कि शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है, के सारे झूठ एकदम बेनकाब हो जाते हैं हमारे सामने। हम जान जाते हैं कि कोई कमी घटी, कोई बीमारी हमारे साथ रहने नहीं वाली, क्योंकि मसीह यीशु में हमारा पिता यहोवा हमको जय के उत्सव में लेके चलता है, ये उसका वादा है। इसीलिए यीशु ने आगे यूहन्ना 10:10 में कहा है कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम भरपूरी का जीवन पाओ, अनंत काल का जीवन पाओ, मैं तुम्हें भरपूरी का जीवन देने के लिए आया हूँ। आमेन। एक बहुत ही खूबसूरत वचन है गलातियों की पत्री 4:7। तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। क्योंकि जब हमें ये पता चल गया कि हम गुलाम नहीं हैं, जैसे स्टार्टिंग में जो कहानी केयर टेकर की सुनाई थी, जो उस वारिस को ये पता ही नहीं चलने दे रहा था कि तू वारिस है, और जब पवित्र आत्मा और वचन के प्रकाशन के द्वारा, उद्धार पाने के द्वारा हमें ये पता चल गया कि पिता जो इस सृष्टि का बनाने वाला है, उसकी आशीषों में उसने हमें सहभागी किया है। देखिए, हमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रह नक्षत्र, इन सारी चीज़ों के फेर में पड़ने और इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने मुझे कॉल करके पूछा, वो प्रेग्नेंट हैं, तो उन्होंने पूछा अभी नई विश्वास है कि सिस्टर आज वो ग्रहण है तो क्या करूँ। मैंने कहा ये हमारे लिए इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। सूरज, चांद, तारे, उत्पत्ति का पहला चैप्टर पढ़ के देख लीजिए, परमेश्वर ने हमारे इस्तेमाल के लिए बनाए हैं। ये ग्रह दशाएँ, ये ग्रह नक्षत्र, इनका हम पे कोई असर नहीं होता। हम कुंडली, जन्म कुंडली में यकीन करने वाले लोग नहीं हैं, हम इनके ऊपर हैं, क्योंकि इन सूरज, चांद, तारों, ग्रह नक्षत्रों, गैलेक्सीज को बनाने वाला हमारा पिता है। हम इनके ऊपर अधिकार रखते हैं, हम वारिस हैं, हम इनके स्वामी हैं,
हमें इनकी पूजा पाठ करके इनको खुश नहीं करना, ग्रहों की शांति नहीं करनी, क्योंकि ये हमारे ऊपर कुछ असर नहीं कर सकते, क्योंकि इनको बनाने वाला हमारा पिता है, तो वो हमारे नीचे है, वो हमारे अंडर में, हमारे अधिकार में दे दिया मसीह यीशु में। तो जब तक पता नहीं था तब तक हम इन सारी उल्टी सीधी बातों में उलझे हुए थे, लेकिन जब हमें आत्मा में वचन में ये प्रकाशन मिल गया है, तो वचन यहाँ पर क्या कहता है फिर से देखिए एक बार, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हम वारिस बन चुके हैं, तो जब हम वारिस बन चुके हैं, मान लीजिए कोई किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है या किसी बड़ी कंपनी के मालिक का बेटा है, तो वो जैसा उसके पिता ने उस कंपनी को चलाया था, नींव डाली थी, तो जब वो वारिसपन को ले लेता है, लेपालकपन को ले लेता है, तो वो भी वैसे ही काम करता है, कंपनी की ख्याति को और आगे बढ़ाता है, अपने पिता के नाम को और आगे बढ़ाता है, ठीक वैसा ही जैसा कि ईशो ने किया था, वैसा ही हमें भी करना है। बहुत सुंदर वचन हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय का 25वां वचन, वहां पर लिखा है कि हर एक पहलवान जो है वो मेहनत करता है ताकि इनाम जीत जाए, लेकिन किस चीज के लिए? मुरझाने वाले मुकुट के लिए। वो मुरझाने वाला मुकुट है, वो पहलवान जो पहलवानी करके कुश्ती लड़के जीतता है, वो मुकुट आज है कल पेरिश हो जाएगा। लेकिन हमको पौलुस कहता है हमें क्या करना है, हमें तो एक इम्पेरिशिबल क्राउन के लिए फाइट करना है। तो हमें जब वो पहलवान अपने शरीर को इतने कड़े अनुशासन में पालता है एक पेरिशिबल क्राउन के लिए, तो सोचो हमें कितने आत्मिक कड़े अनुशासन में रहना चाहिए इम्पेरिशिबल क्राउन के लिए, ना मुरझाने वाले मुकुट के लिए, हमें कितनी मेहनत करनी है। तो ये वचन बहुत सुंदर है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से इस चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरा जो स्कूल था घर के पास में था, और बहुत छोटू सा इतू सा स्कूल था मेरा, मुझे कुछ पता नहीं था, उसमें प्रॉपर ढंग से क्लासेस भी नहीं थे, और प्लेग्राउंड तो खैर था ही नहीं, तो मुझे कुछ नहीं मालूम था। और क्योंकि एडमिशन करा दिया गया इसलिए मैं जा रही थी, पढ़ रही थी, मेरे पड़ोस में जो मेरी फ्रेंड रहती थी एक बंगाली लड़की थी, तो वो मेरी फ्रेंड थी, वो किसी बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती थी, मुझे मालूम नहीं था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, फंक्शन था कुछ, तो उसकी मम्मी ने शाम को बोला कि, वो पहले चली गई थी स्कूल, तो उसकी मम्मी ने शाम को बोला, क्योंकि मैं उसकी फ्रेंड थी, कि बेटा चलोगी आज तुम्हारी फ्रेंड के स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, चलोगी देखने? तो मैंने मम्मी से पूछा जाऊँ, मम्मी ने बोला हाँ जाओ। और आप यकीन करिए, जब मैं उसकी मम्मी के साथ रिक्शे से उसके स्कूल के गेट पे उतरी, तो मेरी आंखें एकदम फटी की फटी रह गई। पहले बात तो मैंने स्कूल की बिल्डिंग देखी, मतलब गेट, इतना बड़ा गेट, मैंने कभी इतना बड़ा स्कूल ही नहीं देखा था। खैर ये तो शुरुआत हुई मुझे झटका मिलने की। तो मैंने कहा बाप रे इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा स्कूल का गेट होता है? मेरे स्कूल का तो एक दूसरा गेट था। तो और जब उसके बाद मैं अंदर गई और स्पोर्ट्स ग्राउंड जो प्ले ग्राउंड था, जहाँ पे सब पेरेंट्स और सब बैठे हुए थे, जहाँ पे वो पूरा फंक्शन होना था, वो पूरे स्पोर्ट्स होने थे, जब मैंने प्ले ग्राउंड देखा तो सच बताऊँ मेरे बिल्कुल होश उड़ गए। मतलब मुझे लगा इतना बड़ा प्ले ग्राउंड किसी स्कूल में होता है, ऐसा भी होता है? मुझे तो ये मालूम ही नहीं था, मुझे ये मालूम ही नहीं था कि स्कूल के अंदर ऐसी कोई आशीष होती है जिसको प्लेग्राउंड कहते हैं, जहाँ पे हम जितना मर्जी दूर तक, मुझे बचपन में दौड़ने का बड़ा शौक था, कोई रेसर नहीं थी पर बस मज़ा आ रहा था खाली मैदान देख के दौड़ने में। तो मैंने कहा अरे इतना बड़ा प्लेग्राउंड, इतना बड़ा प्लेग्राउंड। और उस फंक्शन के बाद जब मैं घर आई तो मेरे दिल में एक बात बैठ गई, मुझे समझ में आ गया। पहली चीज़ तो मुझे मालूम चली कि इतने बड़े स्कूल होते हैं, वरना तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्टेट बोर्ड के आगे मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो पहली चीज़ तो मुझे पता चली कि हाँ इतने बड़े प्लेग्राउंड वाले स्कूल भी होते हैं। तो बस मेरे दिल में एक ये इच्छा पैदा हो गई, एक प्रबल इच्छा कि इतने बड़े प्लेग्राउंड वाले स्कूल में एडमिशन चाहिए। अब लेकिन चाहिए कहाँ से, कुछ तो पता नहीं है, करना क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना, वो तो कुछ मालूम नहीं है, मम्मी तो सारा टाइम ड्यूटी में बिजी रहती थी। तो मैंने उसके बाद अपने स्कूल में जो मेरी क्लासमेट्स थी उनसे बात करना शुरू किया। मैंने उनको बताया, मैंने कहा पता है कल मैं मेरी एक फ्रेंड के स्कूल गई थी, उसका इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, इतना बड़ा प्लेग्राउंड है। और ऐसे हम बीच बीच में उस विषय में बात करते थे, तो ऐसे बात करते करते फिर कुछ समय के बाद उनमें से मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि पता है फला फला मोहल्ले में एक इतना ही बड़ा स्कूल है जहाँ पर बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, और वो लोग एडमिशन के लिए रिटन एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। तो मैंने कहा प्लेग्राउंड है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है,
मुझे और कुछ नहीं पता था। मैंने कहा बड़ा प्लेग्राउंड है? बोले हाँ, मेरे भैया ने बताया, उसके भैया बड़े थे, तो वो बोली मेरे भैया ने बताया वहाँ बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है और वो गर्ल्स का स्कूल है, और लेकिन वो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर हम लोग देंगे, ठीक है। मैंने कहा प्लीज़ यार मेरे लिए भी फॉर्म ले आना, मेरे लिए फॉर्म ले आना, मैंने उसको बहुत मस्ता मारा, रिक्वेस्ट करें। तो बोली ठीक है चलो हम दोनों देंगे एग्ज़ाम। तीन चार और फ्रेंड्स थी, उनको इतनी इच्छा नहीं थी शायद, पर मुझे बहुत प्रबल इच्छा थी। और आप यकीन जानिए फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम होने तक मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि बस मुझे किसी तरह सेलेक्ट होना है। क्यों सेलेक्ट होना है? क्योंकि मुझे वो बड़े प्लेग्राउंड वाला स्कूल चाहिए। आप सोचिए इस धरती की एक छोटी सी चीज़ कि बड़ा प्लेग्राउंड चाहिए, बड़े प्लेग्राउंड वाला स्कूल चाहिए, उसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी। तो अब स्वर्ग का अनंत राज्य जो हजारों हजार साल के लिए हम मसीह के साथ राज्य करेंगे, तो हमें वहाँ के लिए कितनी मेहनत करनी है? देखिए उद्धार फ्री गिफ्ट है, सैल्वेशन इज़ अ फ्री गिफ्ट, लेकिन उसको संभाल के रखना और उस महान नाम को जिसको हम अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, उस नाम की गरिमा को बनाए रखना, इसके लिए मेहनत लगती है। यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए मेहनत लगती है, क्योंकि ये दुनिया बहुत भरमाने वाली है। आपके आसपास हो सकता है बहुत सारे जेंटाइल फ्रेंड हो, आपको मसीह मित्र इतनी आसानी से अपने आसपास नहीं मिलते। बच्चे जब स्कूल में कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ हर तरफ मसीह लोग नहीं होते हैं। चांस की बात है कभी किसी को मसीह संगति मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम इतने लकी नहीं हैं इंडिया में कि हमको हर तरफ, या इंडिया में क्या बाहर भी आजकल ऐसा ही माहौल है, तो हमें हर समय मसीह मित्र मिल जाए ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा को अपना मित्र बनाना पड़ता है, हमें हर टाइम पवित्र आत्मा से बात करनी पड़ती है, ताकि हम ये सीख सकें कि हमें कैसे यीशु के महान नाम को महिमा देने वाले काम करने हैं, कैसे मेहनत करनी है। एक छोटे से स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जब इतनी मेहनत करी और मैं सेलेक्ट हुई और मेरा एडमिशन हुआ, और जब मैं उस स्कूल में गई, हालांकि कुछ सालों तक ही था, 10th तक था वो स्कूल, उसके बाद फिर वापस बाहर निकल के दूसरे स्कूल जाना पड़ा, लेकिन सोचो मैंने कितनी मेहनत करी कि मुझे बड़े प्लेग्राउंड वाला स्कूल मिल गया। तो हमें और कितनी मेहनत करनी है? हम सोचते हैं ना, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं करना है, कर्मों से उद्धार नहीं होता है, लेकिन जब उद्धार होता है तब उस उद्धार को संभाल के रखना है, क्योंकि यीशु ने कहीं ये नहीं कहा कि अब तुम्हारा उद्धार हो गया, अब जाओ जो जी में आए करो। नहीं, वो जब भी किसी बीमार को या रोगी को चंगा करता था तो कहता था देख तो अच्छा हो गया, अब फिर पाप मत करना। उद्धार पाने के बाद बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जब कर्मों से उद्धार नहीं हुआ तो मतलब कर्मों, हम चाहे जैसे काम करें उद्धार तो मिल गया ना, अनुग्रह तो, अनुग्रह को अन्यथा नहीं लेना है, उद्धार को हल्के में नहीं लेना है, यीशु मसीह के महान नाम को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेकर चलते हैं उद्धार पाने के बाद, जिस नाम को हम कैरी करते हैं अपने दिल में, अपने जीवन में, अपने सरमाथे पे, उस महान नाम की गरिमा को बनाए रखना हमारी सबसे पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम इस ड्यूटी को समझें। देखिए शैतान की चालाकी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि वो कितना दुष्ट है, कि लूका उसके 4:41 पद में लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्माएं भी जब यीशु को देखती थी तो वो चिल्लाती थी दूर से और कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू क्या समय से पहले हमें दुख देने आया है। और जब यीशु उनको डांटता था, घुरकता था, तो वो कहना मानना पड़ता था उनको और वो निकल जाती थी। तो सोचो वो ये चाहता है कि हम उस महान नाम को जान ना पाएं या उसके योग्य फल ना लाने पाएं, इसलिए वो चाले चलता है। उसने लूका का 4 पढ़ के देखिए कैसे यीशु को भी वचनों से भरमाने की कोशिश की थी। तो कई बार वो यही करता है, भरमाने की कोशिश करता है, लेकिन जब हमारा रिश्ता मसीह से मजबूत हो जाता है तो कोई भी दुष्ट की शक्ति हमको भरमा नहीं सकती। वो हमको तभी भरमाते हैं कि जब उनको ये पता होता है कि हमारा रिश्ता मजबूत है या नहीं है यीशु से। प्रेरितों के काम उसके 19 में उसका 13-16 तक वचन पढ़ के देखिए, 13-16 पद तक आप पढ़ के देखिए, वहाँ पे उस यहूदी के पुत्रों का वर्णन है जो झाड़ फूँक करते थे और जिनके अंदर दुष्टात्मा होता था। तो जब पौलुस उस समय वहाँ पर उसी एरिया में बहुत काम कर रहा था, यीशु के नाम से दुष्टात्माओं को लदड़ के निकाल देता था और बहुत से रोगी चंगे हो रहे थे, बहुत से काम, परमेश्वर का राज्य स्थापित हो रहा था पौलुस के द्वारा, और वहाँ पर ये लोग, ये यहूदी के पुत्र क्या करने लगे थे, ये पौलुस की नकल करने लगे
इनका रिश्ता मजबूत नहीं था यीशु से, लेकिन इन्होंने क्या किया, झाड़ा फूकी करते थे, तंत्र मंत्र करते थे। तो इन्होंने देखा तंत्र मंत्र से जब बात नहीं बनती, कई बार दुष्ट क्या दुष्ट को निकालेगा, शैतान शैतान को क्या निकालेगा। तो इन्होंने देखा पौलुस जब यीशु के नाम से प्रार्थना करता, हुक्म देता, तो काम हो जाता है। इन्होंने उसकी नकल करनी शुरू करी और इन्होंने कहा कि उस यीशु के नाम से निकलो। एक ऐसे व्यक्ति के पास गए, आप पढ़ के देखिए गई वाली कहानी प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय में, ऐसे व्यक्ति के पास गए जिसमें दुष्ट आत्मा था और वो निकल नहीं रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नकल मारी, इन्होंने कहा कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है उस यीशु के नाम से निकलो। अभी दुष्ट आत्मा ने पलट के मालूम है क्या कहा, उसने कहा मैं यीशु को जानती हूँ, मैं पौलुस को जानती हूँ, यीशु को जानती हूँ मतलब अभी मैंने बताया लूका 4:41, वहां पर दुष्ट आत्माएं भी यीशु को बोलती कि तू मसीह है, तू परमेश्वर का पुत्र, वो जानती थी, दुष्ट की शक्तियों को पता है। तो उन्होंने कहा मैं यीशु को जानती हूँ, फिर उसने कहा मैं पौलुस को भी जानती हूँ। पौलुस को भी जानती हूँ का मतलब है पौलुस का यीशु के साथ कितना गहरा और मजबूत रिश्ता है, मैं उस रिश्ते को जानती हूँ, और इसलिए जब पौलुस हुक्म देता है तो मुझे निकलना पड़ता है। यीशु के नाम से जब पौलुस अधिकार के साथ हुक्म देता है तो मुझे वहां से 9:11 होना पड़ता है। पर तू कौन है, तुम लोग कौन हो, तुम्हारा रिश्ता यीशु से बिल्कुल नहीं है, दुष्ट आत्मा को भी पता था। कनेक्शन ढीला है या दुष्ट आत्मा को पता है, आपका कनेक्शन यीशु से मजबूत है कि ढीला है, दुष्ट आत्मा जानता है। और वहां पर लिखा है कि वो उल्टे जिसमें थी उसमें से निकल के, ये जो निकाल रहे थे नकली यहूदी जो झूठ मूठ यीशु का नाम लेके, पौलुस के यीशु का नाम लेके, उन पे लपकी और वो भागे जान छुड़ा के अपनी। तो सोचिए आपका रिश्ता यीशु से मजबूत है, ये ना केवल दुनिया को, ना केवल स्वर्गदूतों को, ना केवल पिता परमेश्वर को, बल्कि दुष्ट की शक्तियों को भी पता होता है। और फिर उनको भी आपका हुक्म मानना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है भैया ये तो यीशु का खास आदमी है, ये तो यीशु का फेवरेट बच्चा है, ये हुक्म देगा तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पावर यीशु के पास है वही पावर इसके पास है, क्योंकि पिता ने मसीह यीशु में हमको अधिकार दिए। तो कितनी बड़ी आशीष की बात है, सोचो हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते दुष्ट की शक्तियों को, तो हम परमेश्वर को क्या बेवकूफ़ बनाएंगे। अगर हम मसीह में हैं तो हमें उसके योग्य चाल चलन, उसके योग्य फल लाने वाले काम करने हैं, तब हम आशीषों में बढ़ेंगे। मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा कि हम आशीषों में कैसे बढ़ें, हाउ टू ग्रो इन ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आशीषों में हम कैसे बढ़ सकते हैं, जब हम उसके योग्य चाल चलेंगे, जब हम उसके वचन को लव लेटर की तरह अपने दिल में रखेंगे, जब हम रात दिन उसकी बातों पे, उसके कामों पे, उसके फलों पे मनन करेंगे, तब हम उसकी आशीषों में बढ़ेंगे। और तब ये जो होशे 4:6 में लिखा है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है, ये वाली बात फिर नहीं होगी, क्योंकि तब हम अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, तब हम ये जान लेंगे कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यहोवा, हमारा पिता, हमारा यीशु प्रभु हमसे क्या चाहता है। तब हम पवित्र आत्मा की क्लियर वॉइस को सुन सकेंगे, तब हम दुनिया के जैसे नहीं, Romans 12:2 says कि don't be conformed like the world, आप इस दुनिया में हो लेकिन दुनिया के जैसे नहीं बनना है, because we are the consecrated people, हम अलग किए हुए लोग हैं। तो हमें यीशु के जैसा बनना है, तो हमें यीशु के वचनों में, यीशु की आशीषों में बढ़ना है, क्योंकि अब हमारी आंखों से वो पर्दा खुल चुका है, अब हम जान गए हैं कि पिता ने हमारे लिए अगर वसीयत छोड़ी है मसीह यीशु में, तो काम भी है, जिम्मेदारी भी दी है। जब कोई बड़ा पद और ओहदा मिलता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी मिलती है, तो जब हम जिम्मेदारी को समझेंगे और बखूबी निभाएंगे तो हम आशीषों में बढ़ेंगे। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।